गए हैं बच्चे। आप डॉक्टर बताएंगे कि उनको ज़्यादा चोट भी है कुछ पे, तो बाकी कम 20-25 बच्चों की चोट लगी है। फिर कौन से बच्चे कौन से स्कूल? ये जीएल स्कूल सर। कोई हताहत भी हुई है? हताहत की अभी नहीं, कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से, बाकी ज़्यादा तो बताओ। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में भरी हुई थी जितनी भरी हुई थी के हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी कोई सामने कुछ आ गया? के बाद सूचना मिली है, अब हम मौके पर पहुंचे। सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने आने लगते हैं तो सबसे जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह पी रखी थी या उस हिसाब से। देखिए, इतना ये मिली थी कि जीएल पब्लिक स्कूल का जो ड्राइवर है उसने तेज़ गाड़ी से चला के गाड़ी को पलट दिया है, जिसमें काफ़ी बच्चे को चोटें आई हैं और जिसमें पब्लिक ने और पुलिस ने मौके पर पहुँच बच्चों को वहाँ से निकाल लिया था। टाइमली सबको हॉस्पिटल हमने भिजवा दिया था। तो इसमें कुछ बच्चों को इंजर्ड हुए हैं और तकरीबन 6 डेथ है। सर नशे में बताया जा रहा है ड्राइवर, उसका हम मेडिकल अभी करवा रहे हैं। उसमें उसका जैसे रिपोर्ट डॉक्टर साहब क्या आएगी फिर ही पता चलेगा। पकड़ लिया है, अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं और उसका मेडिकल करवा। सर ग्रामीणों द्वारा जाम भी लगाया गया? नहीं, कोई ऐसी जाम वगैरह कोई कोशिश ऐसी नहीं है सर। सर कितने बच्चे घायल है पूरे मामले में? इसमें करीब 15 के करीब बच्चों की इन्फॉर्मेशन मिली है सर। प्राइवेट स्कूलों के जो सरकारी छुट्टी भी थी, क्वालिफाई नहीं है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पूरा ही अनुसंधान किया जाएगा। किसकी लापरवाही है, मालिक की लापरवाही है, वो भी देखेंगे। और इसमें जो अन्य स्टाफ करना होता है वो था कि नहीं था वो भी हम देखेंगे सर। किसी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है, किस तरह से बस पलटी है? नहीं, अभी तक यही प्राइमरी फेस से पता लगा कि ड्राइवर ने तेज स्पीड में गाड़ी। सर जैसे कि कोई मामला दर्ज किया गया है? मुकदमा हमने दर्ज किया। सर जैसे कि आज सरकारी छुट्टी है फिर भी स्कूल लगाया जाए, जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा सर इसमें? इसमें अपने सिविल डिपार्टमेंट में एसडीएम साहब हैं, वो भी इसको देख रहे हैं, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ है वो भी हमारे यहाँ साथ ही है, वो भी इसमें अपनी इंक्वायरी करेंगे। उनकी क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल में पहुँचा दिए गए हैं। आप डॉक्टर बताएंगे कि कोई ज़्यादा चोट भी है कुछ पे, तो बाकी कम 20-25 बच्चों की चोट लगी है। फिर कौन से बच्चे कौन से स्कूल? ये जीएल स्कूल सर। कोई हताहत भी हुई है? हताहत की अभी नहीं, कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से, बाकी ज़्यादा तो बताओ। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में भरी हुई थी जितनी भरी हुई थी के हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी कोई सामने कुछ आ गया? के बाद सूचना मिली है, अब हम मौके पर पहुँचे। सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने आने लगते हैं तो सबसे जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह पी रखी थी या उस हिसाब से। देखिए, इतना ये मिली थी कि जीएल पब्लिक स्कूल का जो ड्राइवर है उसने तेज़ गाड़ी से चला के गाड़ी को पलट दिया है, जिसमें काफ़ी बच्चे को चोटें आई हैं और जिसमें पब्लिक ने और पुलिस ने मौके पर पहुँच बच्चों को वहाँ से निकाल लिया था। टाइमली सबको हॉस्पिटल हमने भिजवा दिया था। तो इसमें कुछ बच्चों को इंजर्ड हुए हैं और तकरीबन 6 डेथ है सर। नशे में बताया जा रहा है ड्राइवर, उसका हम मेडिकल अभी करवा रहे हैं। उसमें उसका जैसे रिपोर्ट डॉक्टर साहब क्या आएगी फिर ही पता चलेगा। सर पकड़ लिया है, अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं और उसका मेडिकल करवा। सर ग्रामीणों द्वारा जाम भी लगाया गया? नहीं, कोई ऐसी जाम वगैरह कोई कोशिश ऐसी नहीं है सर। कितने बच्चे घायल है पूरे मामले में? इसमें करीब 15 के करीब बच्चों की इन्फॉर्मेशन मिली है सर। प्राइवेट स्कूलों के जो सरकारी छुट्टी भी थी, क्वालिफाई नहीं है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पूरा ही अनुसंधान किया जाएगा। किसकी लापरवाही है, मालिक की लापरवाही है, वो भी देखेंगे। और इसमें जो अन्य स्टाफ करना होता है वो था कि नहीं था वो भी हम देखेंगे सर। किसी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है, किस तरह से बस पलटी है? नहीं, अभी तक यही प्राइमरी फेस से पता लगा कि ड्राइवर ने तेज स्पीड में गाड़ी। सर जैसे कि कोई मामला दर्ज किया गया है? मुकदमा हमने दर्ज किया। सर जैसे कि आज सरकारी छुट्टी है फिर भी स्कूल लगाया जाए, जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा सर इसमें? इसमें अपने सिविल डिपार्टमेंट में एसडीएम साहब हैं, वो भी इसको देख रहे हैं, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ है वो भी हमारे यहाँ साथ ही है, वो भी इसमें अपनी इंक्वायरी करेंगे।